तो 3.5 दिन बाद फाइनली बेंगलोर से दिल्ली आप पहुंचे हैं। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और हम ग्वालियर की गलियों से निकल रहे हैं बाहर। मैं थोड़ा इंटरनल पार्ट में आया था, यहाँ पे कोई श्राइन थी तो श्राइन का गेस्ट हाउस था तो वहीं पे मैं रुक लिया। पे जो मैंने सामान लोड किया है वो मुझे बाइक पे ही रखना था, मैंने उतारा नहीं था रात भर, तो मुझे एक प्रॉपर पार्किंग चाहिए थी जहाँ पे बाइक सेफ हो। आते टाइम मैंने ग्वालियर के वो मेजर सिटी में जितने भी होटल्स थे मैं वो देखता हुआ ही आया था, तो सब पे पार्किंग तो थी लेकिन कोई गेट नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी, वो ऐसे ही होटल के बाहर खड़े करना था। ये मेजर लोकेलिटीज भी मैं गया था, कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे भी जो होटल्स थे वहां पे भी यही सीन था, बाइक आप पार्क कीजिए बस ऐसे ही रोड पे, रोड इन द सेंस उनका थोड़ा सा हाई वो प्लेटफॉर्म होता है होटल के सामने, वहां पे मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैं चाह रहा था कि बाउंड्री के अंदर बाइक पार्क्ड हो, तो ढूंढते हुए मैं आया होटल, सारे फोटोज वगैरह ओयो पे देख लिए थे, तो आके मुझे रूम मिल गया था, 350 का मुझे रूम मिला। अब बस रात में सो के ही तो जाना था, तो सामान भी मेरा सेफ रह गया और नींद भी पूरी हो गई। ओए होए 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 क्या नाश्ता था यार, गरम गरम समोसा, कचौरी, जलेबियाँ, चलिए भाई मज़ा आ गया भाई ग्वालियर का नाश्ता करके, और टेस्ट भी मस्त, बहुत ही उम्दा टेस्ट था। तो जी मस्त सा ग्वालियर का नाश्ता करके चाय पी के इंट्रो करते हैं। हेलो नमस्ते आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरीद व्लॉग्स। दिल्ली जो है अभी 323 किलोमीटर्स है, टाइम यहाँ पे 5 घंटा या 6 घंटा ही दिखा रहा है। तो मौसम जो है आप देख सकते हैं क्लाउडी है थोड़ा, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कल इतनी गर्मी थी और इतनी धूप थी, मैंने रेन गियर सारा अपना उठा के अंदर रख दिया है। ग्वालियर फोर्ट गेट, तानसेन का मकबरा, अरे ये सब है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में तो बहुत कुछ है भाई देखने के लिए, यहाँ के लिए तो अलग सा टूर बनाना पड़ेगा स्टेट का। तो ग्वालियर सिटी एग्जिट करते हुए मुझे राइट जाना है आगरा के लिए। हाँ जी भाई साहब, तो रिफ़िल कर लिया मैंने, कल जो 10 लीटर मैंने पेट्रोल भरवाया था उसका माइलेज मुझे आया 39.5, 500 सीसी की बुलेट 40 का माइलेज दे दी, वाह वाह वाह, दोस्त जैसे संभाल के चलाओ तो माइलेज भी अच्छा था, गाड़ी भी अच्छी रहती है। और यहाँ 2 मिनट ठहरने की देरी है, पूरा जो है स्वेटिंग शुरू हो जाती है। और आज का डेट मैंने आपको बताया नहीं था, वो 29 अगस्त 2021 है आज का डेट। तो चलिए सवारी को आगे बढ़ा देने, हाय मैं पंजाबी बोल गया। जब से मैंने वैक्सीन ली है तब से मैं हद से ज़्यादा स्वेट कर रहा हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी में कभी स्वेट नहीं किया, भले ही कितना भी मैं काम करता था मुझे स्वेट नहीं आता था कभी भी। जब से वैक्सीन लिया पता नहीं आज आई थिंक 4 दिन या 5 दिन हो गए वैक्सीन लेके, पसीना इतना जा रहा है समझ नहीं आ रहा कि सच में गर्मी है या मुझे बस पसीना जा रहा। बैंगलोर में जब था तब तो पूरा मौसम बारिश का था, हैदराबाद में भी बारिश का मौसम था, नागपुर में भी जब मैं जा रहा था रास्ते में बारिश ही था। इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, कपड़े भीग जा रहे हैं, आंख से सर से पानी बह जा रहा है, बहुत साइड इफ़ेक्ट पता नहीं क्या कैसे रिएक्ट कर रही है वैक्सीन बॉडी में जाके। अभी दिल्ली 289 है, आगरा आई थिंक 94 किलोमीटर्स है। भाई साहब ये कोई बहुत बड़ी नदी है, पता नहीं कौन सी नदी है, बोर्ड भी नहीं डाला हुआ है, और बहुत कमाल है, कमाल है, कमाल है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का बॉर्डर ख़त्म हो रहा है और आई थिंक यूपी का बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है मैप के हिसाब से। ढोलपुर आ रहा है, आई थिंक ढोलपुर यूपी में है, और ये रेलिंग्स भी सही चीज़ की है डाल के, बेकार में लोग फ़ोटो लेने के बहाने गिर गए, कूद गए, कुछ भी कर लिया तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन भाई साहब बहुत बढ़िया। आई थिंक मेरी लाइफ की ये सेकंड बस सबसे बड़ी नदी देखी, एक मैंने हिंगन घाट पर देखी थी नर्मदा नदी, और ये एक है इतनी चौड़ी। आगे तो आई थिंक यमुना और गंगा नदी भी नज़र आएंगे, अभी के लिए ये सेकंड बिगेस्ट है जो मैंने देखा। और ऊपर कोई इस साइड पे खिला है, ये तो मट्टी का ढेर ढेर हो गया पर एक दीवार जो है वो बची है। पिछले आधे घंटे में मैंने कितने स्टेट्स क्रॉस किए वो बता देता हूँ। निकला मैं ग्वालियर से था, उसके बाद मैं राजस्थान एंटर किया, फिर यूपी एंटर किया, फिर उत्तराखंड आया, फिर से यूपी आया, तो कितने स्टेट्स आधे घंटे के अंदर जो है मैंने कवर किए हैं, आधे घंटे या पौने घंटे के अंदर मैंने इतने सारे स्टेट्स कवर किए हैं। और वो सारे बॉर्डर्स ना बहुत बगल बगल में है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो आगरा पहुंच गए, मेन सिटी सेंटर पॉइंट अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और आगरा का जो बाईपास है वो यहाँ आगे से लेफ्ट होगा, तो दिल्ली जो है वो 210 किलोमीटर है यहाँ से।
अच्छा हुआ मैंने रूट चेक कर लिया अभी, क्योंकि ये जो रास्ता है ये मुझे पड़ रहा था अभी 230 किलोमीटर जो गुड़गांव से होके जा रहा था और मुझे फरीदाबाद से जाना था। तो जैसे ही मैंने वो रूट चेंज किया तो अभी 200 किलोमीटर हो गए, मतलब मेरे 28 किलोमीटर बच गए। दिल्ली में जो मेरा लोकेशन है वो यहाँ से 202 किलोमीटर है। टाइम है सुबह के 9:30 बजे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचता है। आई थिंक यमुना एक्सप्रेस वे नहीं ले रहा है ये रास्ता। तो दिल्ली अभी 188 किलोमीटर है। 2 घंटे से मैं बाइक चला रहा था तो सोचा थोड़ा ब्रेक हो जाए मेरे लिए और बाइक के लिए भी, थोड़ा पानी पी के 5 मिनट रुके फिर निकलता हूँ आगे। तो मथुरा भी आ गए। वैसे कुछ मथुरा के पेड़े बहुत फेमस होते हैं। ये जो मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली, सारे जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, सबको बाईपास करके जा रहा हूँ। या तो ऐसा होता कि जिस रूट से मैं जा रहा हूँ वही रूट में वापस भी आ रहा होता अगर, तो आराम से यहाँ पे स्टॉप करके एक्सप्लोर कर सकता था। अच्छा, मैंने आपको कल कहा था कि मैं डिस्कस करूँगा आपसे मेरा रूट क्या है, तो दिल्ली पे मैं थोड़ा स्टॉप और लूँगा। ये पूरे जो मेरी राइड है लद्दाख की, उसका मेजर पिट स्टॉप दिल्ली रहेगा। दिल्ली से निकलने के बाद जो है मैं पानीपत जाऊंगा, वहां से अमृतसर जाऊंगा। अमृतसर से वाघा बॉर्डर जाने का मेरा प्लान है। वाघा बॉर्डर पे हर शाम परेड होती है, अगर वो कोविड के वजह से अगर अभी नहीं हो रहा है तो पता नहीं। वहां से मैं जाऊंगा जम्मू। जम्मू में फॉरेस्ट ब्लॉक होते हुए पीर की गली करके एक जगह है, बहुत रिमोट सी जगह है, वहाँ पे जाके वहाँ से होते हुए श्रीनगर जाऊँगा, उसके बाद मैं लद्दाख का रास्ता जाऊँगा। तो ये मेरा अभी का इनिशियल प्लान है। ये मथुरा से जो रास्ता जा रहा है ये इतना भीड़ का है, हाईवे पे भी इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये हाईवे जैसा लग ही नहीं रहा है। दिल्ली फाइनली डबल डिजिट में आ गया। 97 किलोमीटर्स है अभी मुझे जाने के लिए। टाइम जो है 11:30 हो रहे हैं सुबह के। थोड़ी देर पहले जो है वो यूपी का बॉर्डर मैंने एग्जिट कर दिया था, अभी हम करंटली हरियाणा में हैं। फरीदाबाद तक ये हरियाणा ही रहेगा, उसके बाद दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है। तो हरियाणा भी मैंने एंटर किया अभी, यूपी से एग्जिट हुआ, हरियाणा में एंटर हुआ है, चेक पोस्ट गया वहाँ पे आरटीओ का। हरियाणा में भी कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी ने कोई पूछा नहीं, चेक पोस्ट नहीं है, आरटीपीसीआर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगला जो स्टेट है वो दिल्ली रहेगा, तो दिल्ली में देखते हैं क्या सीन है। दिल्ली वैसे अभी 84-82 किलोमीटर्स है अभी। तो ये जो आपको नीचे ट्विस्ट एंड टर्न दिख रहे हैं गोल गोल, ये ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है। आप यमुना एक्सप्रेस से आते तो आई थिंक ये वाले रूट से कनेक्ट होके फिर आगे जाते, तो वो बहुत मतलब वहाँ पे टू व्हीलर का भी टोल लगता है यमुना एक्सप्रेस वे पे, और ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे भी शायद प्रेमिना एक्सप्रेस वे पर टू व्हीलर का लगता है पैसा। तो दिल्ली अभी 60 किलोमीटर है, मैं अभी भी हरियाणा में ही हूँ। ओके, यहाँ पे चेक पोस्ट है कोई, पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, दिल्ली सीधे है, लेफ्ट देहरादून है, हरिद्वार है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है। ये ऊपर से जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये वो एक्सप्रेस है, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं रहेगी जितनी या ये इस रास्ते में है। तो गाइस इस टोल बूथ के साथ ही आई थिंक मैंने दिल्ली में एंटर कर दिया है, मतलब दिल्ली के बाउंड्री में। वैसे पहले से ही मुझे दिखा रहा है, सेक्टर नंबर्स दिखा रहे हैं, सेक्टर 1, 2, 3 था, 22, 30, ऐसे अलग अलग सेक्टर के नाम है। पता नहीं वो दिल्ली के अंदर ही आते हैं या दिल्ली से बाहर के हैं। और ये चेन्नई दिल्ली हाईवे है, मतलब ये रोड सीधे जाएंगे तो चेन्नई आएगा। हाँ, आ ही सकता है। वैसे यहाँ ज़्यादातर यहाँ पे आईटी पार्क्स हैं, तो आई थिंक ये एक्सटेंडेड हिस्सा है दिल्ली का। जैसे सभी मेजर सिटीज़ में, मेट्रोज में अभी एमएनसीज़ के लिए अलग सा एक एक्सटेंडेड हिस्सा दे दिया गया है, वैसा कोई एक्सटेंडेड हिस्सा है ये। मेरी डेस्टिनेशन अभी 14 किलोमीटर है और टाइम जो है वो 1 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। ऑलराइट जी, तो दिल्ली के अंदरूनी हिस्से में आ गए हैं। दिल्ली का बॉर्डर कब शुरू हुआ मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं है, पर यहाँ पे भी कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, चेक पोस्ट, आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक भी बहुत है, तो देखते हैं कहीं रूम पे चेक इन करके फिर से रिकनेक्ट होता हूँ। टाइम वैसे अभी 1:00 PM हैं जब मैं दिल्ली एंटर कर चुका हूँ। तो 3.5 दिन बाद फाइनली बेंगलोर से दिल्ली आप पहुँचे हैं।
दोपहर 1:30 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया था। होटल्स ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मुझे पता नहीं था कि होटल्स कहाँ पे अवेलेबल हैं दिल्ली में, और ओयो मेक माई ट्रिप वाले ऐप्स में ज्यादा उतना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बाइक की जो पार्किंग है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते पहाड़गंज में मैं आया, यहाँ पे होटल्स थे, तो एक होटल में मुझे बाइक पार्किंग भी मिल गई और रूम भी ठीक ठाक ही मिल गया। तो यहाँ पे मैंने 3 दिन का स्टॉप ओवर लिया, क्योंकि मुझे बॉडी पे भी रेस्ट चाहिए और बाइक को भी जो है थोड़ा बहुत क्लीन कर लूंगा मैं। कल से जो है मैं 3 दिन जो भी दिल्ली में रुक रहा हूँ उसका एक सिंगल एपिसोड पूरा कलेक्टिवली मैं बना दूंगा। दिल्ली आने में मुझे 4 दिन लग गए, यूजली 3 दिन में हो जाता है, पर जैसा मैंने बताया बारिश वगैरह की वजह से मैं 4 दिन में आके पहुंचा हूँ। तो ये 4th दिन का जो वीडियो है यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मैं थैंक यू बोलता हूँ सबको इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए, आने वाले जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा एडवेंचरस होंगे, और आने वाले जो लद्दाख के वीडियोस भी हैं, कश्मीर वगैरह मैं एंटर करूंगा, तो उसके भी वीडियोस जो हैं वो बहुत अच्छे से आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।